गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं नीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीनाज वर्ल्ड। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिल के बहुत पास है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मुझे इस वीडियो को बनाने में ऑलमोस्ट 2 मंथ लगे। इस 2 मंथ इसलिए लगे क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर किए। वीडियो की लेंथ वही 10 to 12 मिनट होगी, बट टॉपिक्स मैंने बहुत सारे कवर किए। मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑटम कवर किया, जब लीव्स ग्रीन से येलो में टर्न हुई, रेड में टर्न हुई और अब लीफ हो गई है ब्राउन में टर्न। तो मैंने सारा का सारा टॉपिक इस वीडियो में कवर किया और मैंने इसमें ऑल सेंट डे, इनका जो पोलैंड में जो ऑल सेंट डे इनका फेमस फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं ये लोग, वो भी कवर किया ऑल सेंट डे। और मैंने हेलोवीन भी कवर किया और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किए। मैं आसपास दिखाती हूँ कि अब क्या है, यहाँ जो जितने भी पेड़ हैं उसमें लीफ बहुत कम बची हुई है और कुछ दिन बाद वो भी गिर जाएंगी। जब लीफ गिरना स्टार्ट हुई थी तब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था। आई होप मैं इसे नेक्स्ट वीक तक पोस्ट कर दूँ। अब ऑटम के बाद विंटर स्टार्ट होने वाली है। आसपास आप देख रहे होंगे लीव सारी ड्राई हो गई हैं और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके पास भी खाने पीने के ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वीक में एक बार या दो बार आके कुछ नट्स, जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी घर में अवेलेबल है, तो मैं इनके लिए लेके आ जाती हूँ। आज मैं इनके लिए कुछ अखरोट, कुछ बादाम और खजूर लेके आई थी। ये स्क्विरल को, इन्हें बादाम तो बहुत ज़्यादा पसंद आए पर वो खजूर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ये जो स्क्वेरल्स हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी स्क्वेरल्स हैं, इन्हें देख के चिपेंडल कार्टून है उनकी याद आ जाती है, बचपन में हम वो कार्टून बहुत देखा करते थे। ये जो स्क्वेरल्स हैं यहाँ पे जितनी भी, वो सारी की सारी नट्स ही खाएंगी। अगर मैं इसे कुछ भी स्वीट दे दूँ या कुछ भी सॉल्टी चीज़ दे दूँ तो वो ये नहीं खाएंगी। मैं इसके लिए खजूर भी लेके आई थी बट इसे खजूर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और आलमंड जितने थे सारे के सारे मैं इसे खिला चुकी हूँ। अब ये मेरे पास एक पॉलिथीन है जिसमें खजूर है, उसमें जंप कर रही थी। फिर मुझे लगा यहाँ से निकल लेना ही बेटर है क्योंकि ये तो पीछे ही पड़ गई थी। इस एरिया में बर्ड्स भी स्क्वेरल्स भी सब मिलके यहाँ पे साथ में रहती हैं, तो यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं तो उनमें उनके लिए घर बनाए हुए हैं। कुछ इनमें से स्क्वेरल हाउस हैं, कुछ बर्ड हाउस हैं और साथ में जो भी इनके हाउस हैं उसमें इनके लिए पानी भी रखा हुआ है। ये है बहुत ही क्यूट सा स्क्वेरल हाउस, यहाँ पे मैंने उसके लिए 2 वॉलनट रख दिए हैं। जितने भी यहाँ पे हाउसेस थे सब में मैंने 1-2 वॉलनट रख दिए हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगी कोई भी स्क्वेरल आएगी और ये वॉलनट लेके चली जाएगी। यहाँ आपको भी आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे बर्ड हाउसेस, स्क्वेरल हाउस, ये पानी भी रखा हुआ है इनके लिए। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, जो भी इनके स्क्वेरल बर्ड हाउस है उसमें इनके लिए कुछ ना कुछ फूड रख के चले जाते हैं। मोस्टली नट्स होते हैं यहाँ पर। ये देखिए किस टाइप का, अलग टाइप का इसमें, इसका डोर भी कितना छोटा सा है। इस एरिया में बहुत सारे नट्स के पेड़ हैं इसीलिए स्क्वेरल की, बर्ड्स की पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अभी नट्स का सीज़न तो चला गया है बट अभी कुछ क्या गिरे पड़े होंगे और विंटर्स में सारे के सारे बरिड हो जाएंगे स्नो में, फिर वही बरिड नट्स निकाल के स्क्वेरल खाएंगी। ध्रुव क्या कर रहे हो? कलेक्ट करके क्या करोगे इन सब कोन्स को? ओके ओके 1000 कोन कलेक्ट करते करते तो रात हो जाएगी। ये टाइम है मिड ऑफ सितंबर का टाइम। ये टाइम वो इंडिकेट करता है कि अब विंटर स्टार्ट होने वाली है। ये है ऑटम का टाइम और यहाँ पे जो लीव्स हैं अब रेड कलर की हो गई हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में रेड कलर की लीव। और कुछ लीव्स हैं वो है येलो में टर्न हो गई है, ग्रीन से येलो में, देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। और सारा का सारा आसपास का एरिया आपको येलो कलर का दिखेगा, पूरा गोल्डन एरिया लगता है देखने में। यही वो समय होता है जब माइग्रेटरी बर्ड्स वार्मर कंट्री की तरफ मूव करती हैं।
और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है आसपास का व्यू, सारा का सारा गोल्डन। गिरती हुई लीफ देख के ऐसा लगता है कि जैसे स्काई से फ्लावर्स गिर रहे हो। ये लीफ गिरने का भी अपना ही रीज़न है। लीफलेस ट्री जो अपने अंदर ज़्यादा मॉइस्चर को मेंटेन कर सकता है अपनी ब्रांचेस में, ट्रंक में। जिनके भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं ऑटम के टाइम पे, उन्हें काफ़ी सारी लीव्स को उठाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। सारा का सारा आसपास का एरिया पूरा लीव से भर जाता है। यहाँ पे सामने एक रोड है, उसमें क्या अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ये पत्तियाँ हटाई थी, इसे क्लीन किया था। अभी फिर से देखना यहाँ पे लीव सारी की सारी फुल होती जा रही हैं। 2-4 घंटे बाद ये पूरी रोड, अभी अब तो आपको थोड़ी बहुत दिख रही है, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अक्टूबर के टाइम पे ये हार्वेस्ट करते हैं पटैटो, बीट्स और पार्सले। पर धीरे धीरे क्या अक्टूबर की जो क्वीन है ना, वो पम्पकिन बनता जा रहा है। पम्पकिन इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हेलोवीन है फेमस होता जा रहा है। कुछ साल पहले की बात करें तो यहाँ पे ये हेलोवीन ये लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे, इवन पम्पकिन ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। बट अब सब जगह मिलते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही इनका हेलोवीन स्टार्ट होगा, हर जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में और मॉल्स में, हर जगह आपको पम्पकिंस दिखाई देंगे। मैं आपको ले चलूँगी और वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले लोग सिर्फ किचन गार्डन में ही पम्पकिन लगाया करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हेलोवीन फेमस होता गया, इन्होंने पम्पकिंस ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब कई जगह हमें पम्पकिंस के फार्म्स भी मिल जाएंगे। यहाँ के जो विलेज होते हैं उसमें पम्पकिन बेचने के लिए ऐसी ओपन एरिया में रखा जाता है, जिसको जो पसंद आता है उस हिसाब से वो उसे खरीद लेता है। यहाँ पे सारी की सारी वैरायटी के पम्पकिन रखे हुए हैं। इंडिया में भी बहुत सारी वैरायटी होती है पम्पकिन की, बट यहाँ पे क्या हेलोवीन के टाइम पे पम्पकिन बन जाता है क्वीन। ऐसा लग रहा है जैसे कि पम्पकिन म्यूजियम में रखे हों। यहाँ पे हेलोवीन के टाइम पे बहुत ही क्यूट क्यूट से डेकोरेशन के आइटम ये सारे के सारे मिल रहे हैं यहाँ के मार्केट में। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं सारे के सारे। ये छोटे छोटे से ये पम्पकिन बनाए हुए हैं भी बने हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये बहुत ही एक क्यूट सा पम्पकिन मुझको दिख गया। ये देखिए कितना प्यारा सा है ये। ये कॉफ़ी मग भी बहुत क्यूट सा लग रहा है, एकदम पम्पकिन शेप का, एकदम राउंड सा बनाया हुआ है। देखने पे तो बहुत क्यूट है, बट इसमें कॉफ़ी पीना मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑरेंज कलर के बाद अब स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से ब्लैक कलर के आइटम। पहले तो सारे के सारे ऑरेंज थे, सब कुछ ऑरेंज। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ब्लैक कलर के। यहाँ पे जो भी साइड में चीज़ रखी हुई है सारी की सारी ब्लैक है, या तो ब्लैक है या वाइट है या ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। और एक ये है कि ये भी कोई पॉट है, यूज़ पता नहीं इसका क्या होगा। ये रहा हमारा कुकी मॉन्स्टर। हेलोवीन के दिन ध्रुव को स्कूल में कोई मॉन्स्टर बन के जाना था, तो मैंने इसको बना दिया है कुकी मॉन्स्टर। आज है 1 नवंबर। 1 नवंबर को ये सेलिब्रेट करते हैं ऑल सेंट डे। ऑल सेंट डे इनका फेमस फेस्टिवल है। जैसे अपने इंडिया में श्राद्ध होते हैं, वैसे इनका ऑल सेंट डे होता है। ऑल सेंट डे पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में और कुछ और कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जितने भी इनके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी ग्रेवयार्ड एक जगह होगी। अगर ये लोग किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, ये ऑल सेंट डे के दिन अपने कंट्री वापस आएंगे, उस प्लेस पे वापस आएंगे जहाँ पे इसके इनके किसी फैमिली मेम्बर की ग्रेवयार्ड है। फिर जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उस ग्रेवयार्ड के पास आते हैं फ्लावर्स लेके, और जिसकी ग्रेवयार्ड है उसका फेवरेट फूड लेके, लैम्प्स लेके यहाँ पे आते हैं, इसके आसपास बैठते हैं और बातें करते हैं।
और डिस्कस करते हैं उसके बारे में जो इनके बीच में अभी नहीं है, और जो भी उससे रिलेटेड किस्से, कहानियाँ, इस टाइप की चीज़ें होती हैं एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं। रात के टाइम पे यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। मूवी है ना तारे जमीन पर, उसका टाइटल इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। गाइस आज का वीडियो नहीं, 1 मंथ पुराना वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।